हेड टू टो अपने लिए शॉपिंग करने वाला है मेरे पैसों से। हाँ दीदी के रिएक्शंस। सो कैसा लग रहा दी आपको? लूट लिया है। तो मॉल से फटाफट शॉपिंग करके हम लोग भागे और रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये वैसे नेहा ने मेरे को सरप्राइज दिया क्योंकि मैं नहीं ले रहा था शूज। क्या यार तू मेरे को। अच्छा अच्छा चल सुन। दे 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 धूम धड़ दे चौका दे झक्का चलो धूम धड़का। हाय गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मेरे लिए स्पेशल डे है। हाँ बिकॉज आज मेरे लिए स्पेशल डे नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है आज वाला। बहुत बड़ा क्या आज मतलब मैं बर्बाद होने नॉट इन अ रॉन्ग वे। एक्चुअली रेसी का बर्थडे है कल और मैंने ये इसके साथ डील किया था। मैंने इससे गलती से पूछ लिया, मैंने कहा तुझे बर्थडे पे क्या चाहिए। इसने मुझे बोला मुझे हेड टू टो शॉपिंग करा दे। बोला अरे यार इससे अच्छा मैं कोई सरप्राइज दे देती, मैं सस्ते में रह जाती। तो हम लोग इसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं और ये हेड टू टो अपने लिए शॉपिंग करने वाला है मेरे पैसों से। आज पहली बार मैं प्राइस टैग देखने ही नहीं वाला। नहीं, जो पसंद आया उठाओ 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 उठाओ। आज 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 मैं बिंदास होके शॉपिंग करूंगा लाइफ में पहली बार और अलग ही मजा आएगा यार। जो पसंद आया उठा लो, जो पसंद आया उठा लो। और ब्लॉग बहुत महंगा पड़ने वाला। और एक विटनेस मैं साथ लेके जा रहा हूँ जिसके आगे इसने बोला था कि हाँ मैं तुम्हें हेड टू टो शॉपिंग करवाऊंगी। तो अब वो विटनेस है हमारा भाई चेतन। चेतन को मैं साथ इसलिए लेके जा रहा हूँ कि चेतन विटनेस है। चेतन इसने तेरे आगे बोला था ना कि मैं करवाऊंगी, तो अब कुछ भी मिस ना हो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेतन। हेड टू टो चप्पल भी जारा की। हाँ क्योंकि मैं शूज के बाद चप्पल पहनूंगा। नो नो नो। तो बहुत मजा आने वाला है। तो अभी जल्दी से चलते हैं मॉल में और शॉपिंग शुरू करते हैं। जुराबे भी जारा की। सब कुछ सब कुछ। तू चुप पागल, मेरा भाई है कि इसका भाई है तू। तो अब चलते हैं जल्दी से मॉल में और अब शॉपिंग शुरू करते हैं। मेरे से वेट नहीं हो रहा। और एक सेकंड, आफ्टर दिस शॉपिंग रेस्टी हम लोगों को पार्टी देने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि रेस्टी हमें अपने बर्थडे पे कहीं लेके जा रहा है और उसमें हम दोनों ने कोई शेयर नहीं डालना, सारा खर्चा इसका। अच्छा हुआ इसने पहले बोल दिया। अब मैं तगड़े वाली शॉपिंग करूंगा। तगड़े वाली मतलब तगड़े लेवल की शॉपिंग करूंगा मैं। तेरा वाला तो बुकिंग पहले। नहीं 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 नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरी भी वाट लगने वाली है। तो बाय बाय, जल्दी से मिलते हैं शॉपिंग वाली जगह पे। हम खाली तेरे बर्थडे पे मोमोज एक प्लेट के। ये मुकर जाएगी, ये मुकर जाएगी। तो अब जल्दी से मॉल में चलते हैं और वहां पे मिलते हैं। चलो बाय। तो हम लोग पहुंच गए हैं और ये मुंह लटका के आई है। खुश हो जाए यार, नहीं ज्यादा पैसे लगवाऊंगा। फेक स्माइल, फेक स्माइल देखो, फेक स्माइल। कितनी फेक स्माइल। ठीक है यार, आज नहीं छोड़ूंगा। पहली बार तो मेरे को मौका मिला है। चलो। सो गाइज, मैंने शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या कि नेहा चक्कर खा के गिर गई थी अभी, तो ये बहुत मुश्किल से इसको होश में लाया गया है। अभी नींबू पानी पिलाया है इसको हमने, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वीट कॉर्न खाए, मतलब इसमें नींबू था, नींबू पानी था। ये टेंशन में आ गई है लड़की, पहली बार इसका पैसा लगने वाला है तो ये टेंशन में आ गई है। मैंने तुझे इतने गिफ्ट दिए नेहा, इतने गिफ्ट दिए कि मुझे ही नहीं याद मैंने तुझे कितने गिफ्ट दिए। तो अभी बेचारी टेंशन में आ गई थी, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ी कम शॉपिंग कर लूँगा। चलो गाइस, सिर्फ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मैं रुमाल कैंसिल कर देता हूँ। मैं रुमाल नहीं लूँगा, तेरा बहुत बचा लिया पैसा मैंने, अब रुमाल नहीं लेने वाला। अब इसको थोड़ा सा ना वो पेट में ऐसे होल पड़ने लग गए हैं, तो इसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला रहे हैं, उसके बाद इसको हलाल करेंगे। ठीक है, देख इसके चेहरे से नूर ही उतर गया आज तो। सो गाइस, हमने खा पी तो लिया है। बेचारी नेहा वो भी थोड़ी पीछे आ, थोड़ा लो फील कर रही है क्योंकि आज उसके पैसे लगने वाले हैं, तो वो आ रही है धीरे धीरे पीछे।
और मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे पैर तेज तेज चल रहे हैं। मैं तो अब जल्दी से अंदर एंटर करने वाला हूँ, नेहा पीछे पीछे आ जाएगी अपने आप। तो चलो अब जल्दी से शॉपिंग करते हैं, क्यों पाजी? एक्साइटेड। ये नेहा दीदी टेंशन आ गए हैं। आगे बेचारी इतने टेंशन में क्यों थी तू? इतनी फास्ट चल के आई हूं मैं, थक गई। इतनी फास्ट थी, देख लो आपने देख ही लिया कितनी फास्ट। अरे मैं सच में कितनी फास्ट चल के आई हूं। क्या हो गया? चलो कुछ दिन कोई टाइम यार, तुम दिमाग 3-4 हज़ार की है सिर्फ। आ दो कौन सी वाली, देखो दिखाना। बाहर सेल भी लगी हुई है बाहर। कलर ठीक है? हां ओके। साइज नहीं है। सो मैंने थोड़ा सा लूट लिया है, थोड़ा रहम कर रहा हूँ, शूज़ नहीं ले रहा हूँ मैं अभी, लेकिन बाद में लूँगा। तो अभी ये भर लिया हमने, अब इसकी बिलिंग बुलिंग करवाते हैं। चलो होता है ऐसा कुछ प्रोसेस है? हो जाता है। बट कितना बना है बिल? और नेहा दीदी के रिएक्शंस, सो कैसा लग रहा दी आपको? लूट लिया है। लूट लिया गया बहुत। 19,989 मतलब 20,000 ही लगा लो इस तरह से। 20,000 का टीका लगा है वैक्सीन का, वो स्कैनिंग देना मेरा यूपीआई के लिए। स्कैनिंग जो है दी है ना अकाउंट में पैसे आपके? बदतमीज। हाँ मुझे एक्सपेक्टेड था ऑलमोस्ट इतना। ओके मॉल से फटाफट शॉपिंग करके हम लोग भागे और रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस टाइम पे जल्दी जल्दी में, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि 6 बजे के बाद पता नहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कर्फ्यू है शायद, कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया होटल स्टाफ के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 6 बजे कोई कर्फ्यू नहीं है यहाँ पर, हमारी एंट्री अभी जस्ट हुई है, आपने देखा है। तो जल्दी से बस पहुँचते हैं। हाँ लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से होटल पहुँचते हैं और पहुँच के आपको हमारा स्टे दिखाते हैं कि कहाँ पर है। आई जस्ट होप कि बहुत अमेजिंग होगा। एंड सी यू। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम। तो यहाँ पे आज हमारा स्टे है और ये सामने किचन। तो बेसिकली हम लोगों ने होम स्टे लिया है, तो होम स्टे के अंदर किचन और ये सब आप खुद खाना बना सकते हो। तो ये सोफ़ा सेट इधर, ये नज़र पट्टू, नेहा बग्गा और ये किचन है सामने। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन बना हुआ है। और ये एक वॉशरूम एंड अच्छा एक ये रूम है और ये दूसरा रूम है, ये थोड़ा बड़ा है। और ये इसका अटैच वॉशरूम। तो पूरा मतलब घर वाला फील है। और अगर आप ग्रुप में हो तो बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपना बनाओ। अगर किसी को बाहर का खाने की दिक्कत है तो अपना बनाओ जैसे मर्जी। और ये बालकनी व्यू है यहाँ से। हाँ आप ऑर्डर भी कर सकते हो, जैसे कि कामचोर लोग हैं नहीं बनाना चाहते तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बालकनी, लेकिन ये सामने ना बिल्डिंग बना हुआ है। और टेरेस मैं आपको सुबह दिखाऊंगा यहाँ से, तो बहुत अंधेरा है भाई, वापस आ जाओ नहीं डर जाएगी। तो अभी आपको हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जो मैंने शॉपिंग की है। इसने लूटा है, मुझे लूटा है। इसने बर्थडे में एक आउटफिट का मेरे साथ डील हुआ था, इसने 2 सेट बनाए अपने। दो बोलता है कि मेरा 2 दिन बर्थडे होता है, 21 को भी 22 को भी, तो 2 दिन के। हाँ 22 को होता है, मैं मनाता है 21 को, मेरे को दोनों दिन विश करो, दोनों दिन गिफ्ट दो, और पार्टी सिर्फ हो सके तो ना ही लो, बट अगर लेनी है तो सिर्फ एक ही दिन लो। हम तो 2 दिन पार्टी लेंगे, अब तुम 2 दिन बर्थडे मनाओगे, हम 2 दिन पार्टी लेंगे। चलो एक दिन मैगी खा लेना, एक दिन चाय पी लेना। वैसे आज तो एक्चुअली इसने पकौड़े और मैगी खिलाई है। नहीं अभी कुछ अच्छा सा खाते हैं और हमें हेल्दी खाना रहती हेल्दी है, ऐसा बोल के सारा फास्ट फूड खाती है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चुप 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 चुप
तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, दिखाता हूँ, दो मिनट में आ गया बस। चलो तो ये रहे मेरे कपड़े और बिल दिया ना मैंने तुम्हें। कहाँ गया वो इतना बड़ा बिल, कहाँ गया? ये देख रहे हो तुम, ये लेंथ देख रहे हो इस बिल की तुम, लेंथ यहाँ से आइडिया लगा लो मुझे कितना लूटा गया। एक सेकंड दिखाने से पहले हम लोग लेट हो गए थे इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, अभी पेंडिंग है जाके और लूंगा। मैं अभी जाके और चीजें लेने वाला हूँ क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, हमें बोला गया था कि 6 बजे तक होटल में पहुंच जाओ, हालांकि बाद में पता चला कि वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो अभी मैं जाके और लूंगा, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। जिंदगी में ऐसी गलती कभी मत करना, कभी किसी को ये मत कह देना कि तू खरीद ले बर्थडे पे क्या खरीदना है। हमेशा मैं लूटा हूँ, आज मुझे लूटने का मौका मिला। कुछ भी इस बंदे ने सॉक्स तक खरीद दिए, सॉक्स तक में। अरे अभी मेरी बेल्ट वगैरह सब रह गई है। और दिखाओ जरा। तो ये मैंने लिए जैकेट और ये मेरे को काफी टाइम से पसंद थी, तो थोड़े से पैसे इसके ज्यादा थे इसलिए मैंने सोचा चलो कभी मौका मिलेगा तो मौके का फायदा उठाएंगे, तो अब मौका मिला है। और ये शर्ट ली है मैंने एक, वो मुझे आपको रील्स और बाकी चीजों में दिख जाएगा। इनमें से कौन सा मैं कल पहनूंगा वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अगर थोड़ी ठंड हुई तो फिर मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो मैं ये पहनने वाला हूँ, ये मेरे को अच्छा लगा काफी। किसने चूज किया ये? मैंने नहीं किया, इसी ने करवाया है। कसम खा के बोल, किसने चूज किया? किसने 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 दिल्ली ये सेट खरीदा? दी ग्रेट नेहा बग्गा। तो ये एक पैंट ली है मैंने, ये कब ले ली? ये मैंने जाते जाते रख दी थी जल्दी से क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मुझे यही पता थी सिर्फ वो भी ले लिया। और ये एक ये लिया। एक सेकंड, दो सेटअप की बात हुई थी, ये तीसरी पैंट कहाँ से आ गई भाई? क्योंकि दूसरे सेटअप के शूज नहीं लिए मैंने, और ये वैसे नेहा ने मेरे को सरप्राइज दिया क्योंकि मैं नहीं ले रहा था शूज। ये एक्चुअली मुझे इसके फॉर्मल सेटअप के साथ बहुत सुंदर लगे, ये इस सेटअप के साथ बहुत अच्छे जाएंगे इसलिए मैंने इसके लिए। तो ये वाले मुझे नहीं पता था बट ये इसने मेरे को सरप्राइज दिया। ये हमेशा फॉर्मल ना बहुत ऐसे देसी से फॉर्मल शूज खरीदते हैं, मैंने इसके लिए पहली बार थोड़े अच्छे क्लासी शूज इसको गिफ्ट किए हैं। तो अभी क्या है कि मेरा इतने में मन नहीं भरा है, मैं और भी लूंगा अपने पैसों से। नहीं, गो एंड इसके पैसों से। तो ये थी सारी शॉपिंग। और रुको 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 रुको, मैं भी लेके आया हूँ कुछ। हाँ, इसने भी शॉपिंग की थी। हम सरप्राइज नहीं दे सकते का? दे सकते हैं। रुको फिर आपसे पहले जब आप रूम में एंटर नहीं किए थे, हमने अपना सरप्राइज इस रूम में लाके रख दिया था। अरे वाह, रुको छोटे भाई से गिफ्ट लेगा, अलमारी के पीछे छुपाया हुआ था मैंने। और तो मुझे खुशी हुई कि ये पर मैं लूंगा नहीं, मैं वापस कर दूंगा। ऐसे कैसे? दिखाओ क्या दिया। अरे वाह, पसंद थी ना तुझे? हाँ, ये शर्ट अच्छी थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि अभी सर्दियां थी, तो मैंने कहा ये डाली नहीं जाएगी, मुंबई में तो पहन। एक्चुअली इसने मुझे बोला था ये मैंने कैसे ली, मैं पाजी के साथ था और मैंने पाजी से पूछा कि रेसिपी पाजी ये शर्ट कैसी है, तो पाजी ने कहा कि हाँ यार अच्छी है यार, मैंने कहा मैंने लेनी है, पाजी कहते हाँ बढ़िया ले ले, तो मैंने पाजी के लिए ले ली। थैंक यू। तो अभी हमारा डिनर आ चुका है, तो अभी हम चल के पहले डिनर करते हैं और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, जल्दी चलो। पी के बताओ कैसे है, फिर मुझे भी ऑर्डर करना है। ये नेहा का सूप आया है और इसको शक्ल से ये अच्छा लगा तो ये बोल रही है कि ये और मंगवाओ। नहीं, वो मेरा है, वो वेज सूप है, ये वेज सूप है, ये लेमन कोरिएंडर है, ये वेट। हाँ वैसे ये लग रहा है लेमन। हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या है ये? ये तेरा ही ऑर्डर है, लेमन लगाया था उन्होंने, लेमन गिरा दिया तूने लेमन कोरिएंडर। ये मेरा है। पता नहीं क्या था ये, मुझे अच्छा। हाँ तो देखा, इसको इसके पास ना एक पेट है, कहीं पे भी सूप ऑर्डर करना हो ये सिर्फ लेमन कोरिएंडर ऑर्डर करता है, और हर जगह का लेमन कोरिएंडर अच्छा नहीं होता। मैं एक बार ट्राई तो करो, क्या पता मैंने ऐसे ही कर दिया हो, ये पी के तो देखो अच्छा है। की है नमक जी लुगड़ी, ये तो चेतन का है। मेरा क्या? तेल लिए मंगवाया, भाई के लिए मैंने सूप मंगवाया,
ये मेरा भाई चेतन, इसके लिए मैंने सूप मंगवाया है। ये लेमन कोरिएंडर। हाँ yes. पियो, हेल्दी रहो, पी के देखो अच्छा है ना। पीला ठीक है। हम दोनों हम दोनों शेयर करते हैं ठीक है। नहीं आप अपने लिए और मंगाओ। अभी और नहीं होएगा, वो लास्ट टाइम था। आप उसको बोलो नहीं एक और दे दे, वो अच्छा नहीं है। कभी भी शेयर नहीं करती है ये। तो अभी मेरे हाथ से सूप जा चुका है, प्लीज दे दे भुखड़। ओ भुखड़ पचेगा नहीं तेरे को। एक और बुला यार उनको, बोल वो अच्छा नहीं है, वो दूसरा दे के जाओ। चलो ये अच्छा नहीं है। अरे ये अच्छा है, किसने बोला अच्छा नहीं है? वो शेयर नहीं करना चाहती इसलिए बोल रही है। ये अच्छा नहीं लगा तेरे को? नहीं अच्छा लगा तेरे को? मैं तो बढ़िया लग रहा, पर मैं काहे क्यों लग रहा है तोड़े दोनों ने बढ़िया लग गया था एक बेकार। नहीं नहीं बहुत टेस्टी गाइस। मैंने अभी क्या बोला था कि ये सूप सबसे बेस्ट है जिस पे लेमन लगा हुआ था। यस उसे अच्छा भी लगता है। अच्छा ना तो फिर अच्छा लगा। गाइस देखो यार ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता यार, मैं इसके लिए बुरा सोचूंगा। ये भाई है मेरा, ये भाई है मेरा। डिनर आ गया है। ये। लेकिन मैं चाहता था कि नेहा तुम बनाते यहाँ पे की चलिए। फालतू की मैं घर पे नहीं बनाती, यहाँ कैसे बनाऊंगी? क्या असर है, तू बना ले फिर जा। आया बड़ा रियलिटी रियलिटी। चलो कोई बात, तो डिनर हो गया है हमारा। और एक अच्छी चीज ये हो गया क्योंकि हम लेट नाइट तक जागने वाले हैं क्योंकि मेरा बर्थडे है और मुझे पता है ये लोग केक तो कटवाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये लोग केक कटवाएंगे। तो अब मैं केक काटने तक तो जागूंगा, इसलिए मैंने भैया को बोला कि हमें कुछ बनाने के लिए दे दो। तो ये भैया ने अच्छा दे दिया, मैगी और कॉफी का इंतजाम कर दिया। सुबह के लिए नहीं, रात के लिए ही मंगवाया है मैंने। तो अब ये हमारा रात का खाने का जुगाड़ हो गया और केक भी होएगा ही। तो अभी पर केक कैसा बनवाया वो भी तो एक अलग बात है, दैट इज सरप्राइज फॉर यू। गेस, अच्छा गेस क्या हो सकता है? मीठा केक होगा। अरे मतलब केक कैसा होएगा? मैं केक, चॉकलेट केक, क्या सो केक होगा? मेरे ख्याल से ना केक ना मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कैसा होएगा। कैसा? मैं बोल दूंगा तो ना फिर मजा सा खराब हो जाएगा। ओए, तो तूने देख लिया क्या? नहीं मैंने नहीं देखा, कसम से नहीं देखा। फिर तूने कहाँ? बस मेरे को थोड़ा सा आइडिया सा देखा। फोन पे देखा? फोन पे शायद थोड़ा सा दिख गया था, मेरे को पता नहीं वही है कि नहीं। अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, अभी मेरे को पक्का नहीं पता क्या है। तो सरप्राइज है भाई, सरप्राइज है, मुझे नहीं पता केक कैसा। इधर आओ पंडे, इधर देख, इधर आ। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, दिल टूट गया। हाँ मैं जोड़ता हूँ, मेरी गल सुने इधर आ। तो अभी मेरे को पता नहीं, सही में नहीं पता कैसा होएगा, मैं सिर्फ आइडिया थोड़ा सा कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। फिर अभी हम जल्दी से अपना कुछ वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख लेना। और इंस्टाग्राम का हैंडल इसका चेंज हो चुका है, पहले नेहा बग्गा ऑफिशियल था, अब सिर्फ नेहा बग्गा के नाम से है। तो ये दोनों बहनें गई हैं बातें करने। तो चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो 12 बजने वाले हैं और रेसी का जो सरप्राइज है वो छुपा के रखा हुआ था। 12 बजने वाले हैं, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हैप्पी बर्थडे। मेरे को पता था केक आएगा। अच्छा सरप्राइजेस की देखो ये फुग्गे हम लेकर आए थे, बट एक्चुअली ये तुम्हें ही फुलाने हैं। वो रह गए सॉरी। और ये के बैग हटाओ, चलो ये हटाओ। हाँ अभी ये केक ओपन करो, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वेट। हाँ ओके चलो। मैं गेस करूं? यार तूने देख तो नहीं लिया? नहीं 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 यार, कसम से बोल तूने देखा तो नहीं है? देखो अच्छा गेस कर दे फिर, अगर तूने सच में वही हुआ तो। यार हुआ क्या था एक्चुअली, मैं ना वो तुम्हारे फोन पे वीडियो निकालने लगा था तो तुम्हारा व्हाट्सएप खुला था, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे ही किया, उसके ऊपर ऊपर फोटो पड़ी थी। तो मुझे नहीं पता। Oh, this is nonsense. इस इंसान के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। चलो खोलो, 12 बजे खोलो। क्या पता वो ना ही हो।
बैट बॉल क्रिकेटर। सो ये केक मैंने इसके लिए क्यों बनवाया, ये सरप्राइज था। तो जो असलियत ये इस केक, ऐसा केक बनवाने के पीछे क्या रीजन है वो रेस्टी खुद बताएगा आप लोगों को। नहीं मतलब मैं शुरू से क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, पर मैं क्रिकेट के लिए बहुत पागल हूँ। मैं वैसे कभी सुबह 4-5 बजे उठूँ ना उठूँ, अगर कोई मेरा फ्रेंड बोल दे मैच है तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आती है। तो क्रिकेट का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है और ये केक भी मेरे ख्याल से इसलिए बनवाया है। और दूसरी बात, मेरे बर्थडे का जो गिफ्ट, आज 21 तारीख को इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी है और मेरे लिए तो यही गिफ्ट हो गया, अब बस इंडिया जीत जाए और सीरीज। यार ये कैसा बंदा है यार। यार अब मेरे को खुशी मिली, मतलब तुम लोगों ने किया, अच्छी बात है, गुड, थैंक यू। अच्छा ये केक एक्सपेक्टेड था तुझे? हाँ इसी की फोटो थी ऊपर ऊपर। यार ये क्या है यार, यार अब मेरे को पता थोड़ा था, चलो कोई बात नहीं। पर तुझे तो फोटो देख के क्या लगा, तुझे खुशी हुई थी फोटो देख के कि क्या? मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टाइम किसी ने क्रिकेट वाला मेरा केक कटवाया है यार, नहीं तो कितने मेरे दोस्त है किसी को पता ही नहीं कि मेरे को क्रिकेट इतना ज्यादा पसंद है, तो कभी ऐसा सरप्राइज मिला ही नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम मिला है। ये देखो जी, ये कहने को मेरे बर्थडे पे है और ये बंदा 24 घंटे फोन में है। क्या हो गया? 24 घंटे फोन में ये बंदा, मेरा बर्थडे मैं केक काट रहा हूँ तो क्या बोलोगे? हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना, कुछ क्रिकेट वाला बोलो यार। चलो दे चौका दे छक्का, चलो हो जाए धूम धड़का, चौका दे छक्का, चलो हो जाए धूम धड़का, ये कोई आगे टिक पाएगा। जो भी तेरे सामने आएगा जल्दी आ जा, रुको फिर मैं फ्रंट फ्रंट कैमरा खाते हुए। थैंक यू सो मच। और आप लोग भी जो कमेंट में हैप्पी बर्थडे कर रहे होगे, जब लोग आ जाएंगे हैप्पी बर्थडे रस्टू, तो आप लोग भी जो कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख रहे होगे, थैंक यू सो मच आप सबको, ऐसे प्यार देते रहना। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू चेतन, थैंक यू नेहा, और अब हम मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि कल मेरा बर्थडे मतलब आज से शुरू हो गया है, तो कल पूरा दिन क्या करते हैं किधर घूमते हैं वो कल के व्लॉग में। बाय बाय।